जोजो किड्स। समझदार बकरी। बहुत समय पहले एक जंगल में एक मगड़ू नाम का भेड़िया रहता था। वह काफी दिनों से जंगल में पानी तलाश रहा था। पानी ना मिलने से उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। ना जाने मुझे कब पानी मिलेगा और कितना चलना पड़ेगा। अब भी अगर पानी ना मिला तो मैं पक्का मर जाऊंगा। हे भगवान, कुछ मदद करो। थोड़ी देर में आगे चलकर उसे एक कुआं दिखाई देता है। कुआं देख मगड़ू बहुत खुश हो जाता है। वह पूरे जोश के साथ कुएं के पास पहुंचता है और उसमें छलांग लगा देता है। मगड़ू को पानी के साथ साथ एक बकरी भी दिखाई देती है। मगड़ू अब और भी ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह, मुझे तो पानी के साथ साथ खाना भी मिल गया। बकरी मगड़ू को देखकर डर जाती है। वह सोचने लगती है कहीं भेड़िया उसे मारकर खा ना जाए। मगड़ू पानी पीने लगता है। आहा, कितना मीठा पानी है, मजा आ गया। मगड़ू पानी पीकर बहुत खुश हो जाता है। जब वह पानी पीने के बाद कुएं को ध्यान से देखता है तो वह चिंता में पड़ जाता है। कुआं बहुत ज्यादा गहरा था। हे भगवान, मैंने ये क्या किया? मैंने तो सोचा ही नहीं कि कुएं से बाहर कैसे निकलूंगा। मगड़ू कुएं से निकलने के लिए छलांग लगाता है मगर कुछ फायदा नहीं होता। थक हार कर वह डरी और सहमी हुई बकरी को देखता है और सोचता है, अरे मैं तो भूल ही गया, पहले इस बकरी को खा लेता हूँ। कुएं से बाहर निकलने की तरकीब तो बाद में भी सोच लूंगा। बकरी अपनी जान बचाने के लिए भेड़िये से कहती है, भेड़िये भैया, क्या तुम मुझे खाने वाले हो? और नहीं तो क्या, कोई बेवकूफ ही तुम्हारे ऐसे स्वादिष्ट भोजन को छोड़ेगा। वो तो ठीक है, मगर मेरे पास इस कुएं से निकलने के लिए एक तरकीब भी है। भेड़िये भाई, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, सच में, नहीं तो रात में तुम भी यही ठंड से मर जाओगे जैसे मैं ठंड में थी पूरी रात यहाँ। कैसी तरकीब, बताओ। भेड़िये भाई, मुझे बहुत प्यास लगी थी इसीलिए मैं जल्दबाजी में कुएं में कूद गई थी। बाद में मुझे समझ आया कि यह कुआं बहुत ही गहरा है। बहुत समय यहाँ बिताने के बाद मैं समझ पाई हूँ कि यहाँ से निकलने के लिए मुझे किसी की आवश्यकता है, तभी मैं यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ। अगर तुमने मुझे खा लिया तो तुम भी अकेले पड़ जाओगे और फिर तुम्हें भी किसी की सहायता पड़ेगी बाहर निकलने के लिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पीठ पर चढ़कर छलांग लगा दो और बाहर चले जाओ। बाद में मुझे रस्सी डालकर बाहर निकाल लेना। मगड़ू ने सोचा, यह बकरी बात तो सही कह रही है, अगर इसे खा लिया तो बाहर कैसे निकलूंगा, और वैसे भी इसे तो मैं बाहर निकाल कर भी खा सकता हूँ। तुम सही कह रही हो, हम एक दूसरे की मदद से ही बाहर निकल सकते हैं। बकरी पैर को दीवार से टिका लेती है। मगड़ू पूरी ताकत के साथ कुएं से छलांग लगा देता है। कुएं से बाहर आकर मगड़ू बकरी के लिए रस्सी का इंतजाम करता है और रस्सी डालकर बकरी को भी बाहर निकाल लेता है। जैसे ही मगड़ू बकरी को खाने के लिए आगे बढ़ता है, चालाक बकरी कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भेड़िया भाई, तुमने मुझे खाने की जगह मेरी बात मान हम दोनों की जान बचा ली। आप बहुत अच्छे और दयावान भी हो, आप मुझे खा सकते थे परंतु आपने ऐसा नहीं किया। मगड़ू को बकरी की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, जाने अनजाने में उसने किसी की मदद जो की थी। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, लेकिन इससे पहले मेरी नियत बदले तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अभी भी खा सकता हूँ। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, समझदारी के साथ शत्रु का सामना करना चाहिए और उसको मित्र बना लेना चाहिए। एक सीधा साधा हाथी
और एक चालाक लोमड़ी दोस्त थे। दोनों साथ में घूमा करते थे। एक दिन वो दोनों भोजन की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक शेर मिला। आओ, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी, अब तुम दोनों में से एक मेरा भोजन बनेगा। यह सुनकर हाथी बहुत घबरा गया। उसने लोमड़ी से कहा, तुम शेर से बात करके देखो। ठीक है शेर भाई जरा मेरी बात तो सुनो, आपके कान में कुछ कहना है। कहो। शेर भाई, आप तो मेरे भाई हैं, मैं तो आपकी सब बातें मानती हूँ, मुझे खाकर आपका कोई फायदा नहीं, आपका पेट भी नहीं भरेगा, सच कह रही हूँ। इसीलिए एक आपको उपाय बताती हूँ, आपको हाथी को ही खाना पड़ेगा, तभी जाके आपका पेट भरेगा। इतना बड़ा हाथी खाने के बाद 2-4 दिन मजे से आप सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, नहीं तो मुझे खाके कल तक फिर भूख लग जाएगी। पर वो कैसे हो सकता है, मैं तुम दोनों को खाऊंगा। अरे नहीं नहीं, आप मेरी बात मानो, आपको बस मेरे साथ मिलकर हाथी को गड्ढे में गिराना होगा। फिर दोनों ने मिलकर हाथी को गड्ढे में गिरा दिया। अब शेर खुश था कि उसका शिकार कब्जे में है। अब तुम इधर आओ चालाक लोमड़ी, खुद को बहुत चालाक समझती हो, अपने प्रिय दोस्त हाथी को भी मेरे लिए धोखा दे दिया। ऐसा कहकर शेर ने लोमड़ी को अपने पंजों में पकड़ लिया और उसे खा गया, जो दगाबाज थी। आलसी तोता। एक पेड़ पर दो तोते रहते थे, किट्टू और मिट्टू। एक बहुत आलसी और दूसरा बहुत ही समझदार था। एक दिन समझदार तोते ने देखा कि पेड़ की जड़ से एक बेल निकल गई है, जो पेड़ का सहारा लेकर चढ़ती जा रही है। अरे देखो, हमारे पेड़ पर एक बेल ऊपर की तरफ आ रही है, चलो मिलकर इसे काट दें। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए दोस्त, मैं अकेले इस बेल को नहीं काट सकता। आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, हम कल काट लेंगे। ठीक है दोस्त, पर हम कल इसे जरूर काट लेंगे। अगले दिन फिर से तोते ने मिट्टू को आवाज लगाई। मिट्टू मिट्टू देखो, बेल तो दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है, आओ इसे काट दे, कहीं शिकारी आ गए तो इसके सहारे हमारे बच्चों तक पहुंच जाएंगे। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे। मिट्टू तुम बात को समझो, अभी तो बेल नाजुक है, मिलकर हम इसे काट सकते हैं। अगर ये सख्त हो गई, तो इसे काटना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा करते करते कई दिन निकल गए और बेल पक्की हो गई। तोता रोज मिट्टू को आवाज लगाता, लेकिन मिट्टू कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। किट्टू तोता अपने बच्चों को लेकर दूसरे एक ऊंचे पेड़ पर जाने को मजबूर हो गया, क्योंकि उसे पता था कि मजबूत बेल के सहारे कभी भी शिकारी आकर उसके बच्चे ले जा सकते हैं। मिट्टू, मैं अपने बच्चों के साथ दूसरे एक ऊंचे पेड़ पर रहने जा रहा हूँ, क्या तुम भी चलोगे? यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। मिट्टू तोता आलसी होने की वजह से हर काम कल पर टालता रहा। इसी तरह एक दिन जब शिकारियों की नजर मिट्टू के बच्चों पर पड़ी, तो उन्होंने मजबूत बेल पर चढ़कर मिट्टू के बच्चों को उठा लिया। अंत में मिट्टू को अपने आलसीपन के कारण बहुत पछताना पड़ा। एक घने जंगल में एक पेड़ पर कालू कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। उसी पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था। एक दिन कालू जब भोजन की तलाश में गया, तो पीछे से सांप ने उसके अंडों को खा लिया। जब कौवा वापस अपने घोंसले में आया, तो अपने बच्चों को ना पाकर बहुत उदास हो गया। कौवे को सांप पर शक भी हुआ और उसने फिर सांप से पूछा, भाई सांप, क्या तुमने किसी को मेरे घोंसले की तरफ आते देखा? किसी ने मेरे अंडों को खा लिया है? नहीं नहीं,
मैंने किसी को नहीं देखा। मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे किसने खाए। कुछ समय बाद फिर से ऐसा ही हुआ, पर इस बार कौवे ने सांप को अपने अंडे खाते हुए पकड़ लिया। अच्छा, अब समझ आया, तुम ही मेरे अंडों को खा जाते हो। मुझे तुम पर पहले ही शक था, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडों को खा गए। मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैंने तुम्हारे अंडों को खा लिया। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर सांप अपने बिल में चला गया। कालू बहुत उदास हो गया और उसने सांप से बदला लेने की सोची। फिर वह उड़ता हुआ राजा के महल की तरफ चला गया। तभी उसकी नजर महारानी पर पड़ी, जो तालाब में स्नान कर रही थी। महारानी के कीमती जेवर तालाब के किनारे पड़े थे, जिनकी निगरानी उनके सिपाही कर रहे थे। कालू कौवे को एक उपाय सूझा। वह एक लंबा सा हार अपनी चोंच में फंसाकर उड़ने लगा। सभी सैनिक कौवे का पीछा करने लगे। कालू ने चालाकी से उस हार को सांप के बिल में डाल दिया। जब सैनिकों ने बिल में डंडा मारा, तब बाहर निकला सांप, जिसके गले में महारानी का हार था। सैनिकों ने पीट पीट कर सांप को जान से मार दिया और हार ले लिया। इसी तरह कालू कौवे ने सांप से अपना बदला ले लिया। एक जंगल में एक बहुत ही खतरनाक शेर रहता था। क्योंकि वह जंगल का राजा था, इसीलिए वो कभी भी किसी को भी खा जाता। एक दिन जब राजा अपनी गुफा में आराम कर रहा था, तभी एक छोटे से चूहे की नजर शेर पर पड़ी। अरे वाह, इतना बड़ा शरीर, इतने बड़े बड़े पंजे, इनके तो दांत भी बहुत नुकीले लग रहे हैं। शेर राजा जी का तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तभी सब जानवर इनसे इतना डरते हैं। चलो गुफा में अंदर चल के देखता हूँ। जैसे ही चूहा शेर के पास पहुँचा, अचानक शेर की आंख खुल गई और उसने चूहे को दबोच लिया। अरे वाह, आज तो भोजन खुद चलकर मेरे पास आ गया, मजा आ गया। मुझे माफ कर दो राजा जी, मैं तो गलती से आपके पास आ गया। मुझे खाकर तो आपकी भूख भी नहीं मिटेगी। हो सकता है मैं आपके कभी काम भी आ जाऊं। चूहे की यह बात सुनकर राजा के मन में दया आ गई और उसने कहा, ठीक है, वैसे भी मेरा पेट आज बहुत भरा हुआ है। जाओ, मैं आज तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन दोबारा ऐसी गलती मत करना। और इस तरह चूहे की राजा ने जान बख्श दी। एक दिन राजा शेर भोजन की तलाश में नदी किनारे पहुँचा। वहाँ उसे शिकारियों ने अपने जाल में फंसा लिया। गुस्से में आकर शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। ये तो राजा जी की आवाज है, लगता है हमारे राजा किसी मुसीबत में है, चलो उनकी रक्षा करते हैं। चूहे ने जब शेर को जाल में फंसा देखा, तो अपने दोस्तों के साथ तुरंत जाल को काट दिया और अपने राजा की जान को बचा लिया। शेर को खुला पाकर शिकारी भी भाग खड़े हुए। उस दिन के बाद से शेर और चूहा अच्छे मित्र बन गए। दो बकरियां। एक बार की बात है, रतन नाम का एक चरवाहा अपनी बकरियों को नदी किनारे घास चराने ले गया। रतन नदी किनारे पेड़ की छाव में सुस्ताने लगा और दोनों बकरियां घास चरने लगी। अचानक पहली बकरी को नदी की दूसरी तरफ हरी हरी घास दिखाई दी। अरे वाह, उस पार तो इतनी सुंदर घास, ये तो बहुत स्वादिष्ट होगी, मैं उस पार जाकर इसे खा लेती हूँ। मैं पर कैसे? तभी बकरी की नजर एक पेड़ पर गई, जो बहुत लंबा था और किसी कारण से गिर गया था और नदी के उस पार तक जुड़ गया था, जैसे कोई पुल हो। बकरी बहुत खुश हो गई और सोचने लगी
कि मैं इस पेड़ के सहारे उस किनारे तक पहुंच सकती हूं। बकरी पुल पर चढ़ने लगी। तभी उसकी नजर एक और बकरी पर पड़ी, जो उसी पेड़ के सहारे उस पार आना चाहती थी। पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, मुझे नदी पार करनी है। मैं, तुम पीछे हटो, तुम पीछे हटो, दूसरी बकरी ने कहा। पहले तो मैं इस पर आई हूँ, पहले मैं पार करूँगी, मैं। दोनों बकरियाँ आपस में झगड़ने लगी। पहली बकरी समझदार थी, उसने कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगी, मगर नीचे बैठ जाती हूँ, तुम मुझे टाप कर नदी की दूसरी तरफ जा सकती हो। मैं। झगड़ा कर कोई फायदा नहीं। दूसरी बकरी मान गई और पहली बकरी के झुकते ही वह टाप कर नदी के दूसरी तरफ चली गई। दोनों बकरियों ने नदी पार कर ली और एक दूसरे को शुक्रिया अदा किया। हमेशा लड़ाई झगड़े से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी से हल निकाला जा सकता है। Please subscribe.